हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पैंट प्लाजो का और ट्राउज़र का बहुत ही इजी सा डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हमने 8 इंच की विड्थ और 24 इंच की लेंथ में हमने फैब्रिक को कट कर लिया है और उसके एक एक इंच का गैप देते हुए हम इस तरीके से अरेब में यानी कि तिरछे मार्क कर लेंगे। बैक साइड में हम करेंगे इसको ताकि ये जब भी हम स्टिचिंग करें ये दिखाई ना दें, तो ये स्टिचिंग के अंदर अटैच हो जाएंगे। इस तरीके से हम दोनों साइड में मार्किंग करने के बाद ये छोटे छोटे बॉक्स बना के रेडी कर लेंगे। मार्किंग के अकॉर्डिंग हम इनको वन बाय वन करके स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल किनारे पे हमने स्टिचिंग लगानी है, ज़्यादा हमने फैब्रिक दबाना नहीं है मार्जिन में। ये देखिए, दोनों साइड में स्टिचिंग करने के बाद ये इस तरीके से इसका डिज़ाइन बन जाएगा और ये थोड़ा श्रिंक भी हो जाएगा। तो आप जो भी पैंट प्लाजो का साइज है उससे आप एक्स्ट्रा ही फैब्रिक लीजिए 2-2 इंच। उसके बाद ये हाफ सर्कल में हम पीस कट कर लेंगे और उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए उसको वन बाय वन करते हुए ये सर्कल रखेंगे और इक्वल सर्कल का शेप देते हुए हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और यही पैटर्न हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर ड्रॉ करेंगे और कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो हमारा पैंट प्लाजो का फैब्रिक है उसके ऊपर पेस्ट करेंगे उसको। उसके बाद इस जो ये हमारी पट्टी बनाई है हमने सर्कल वाली, इसको इसके ऊपर रखेंगे, ये नीचे की तरफ आएगी और उसको स्टिच कर देंगे। बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर हमने स्टिच करना है और इस पेपर पेस्टिंग को छोड़ते हुए ही स्टिच करना है, इसके ऊपर से नहीं करना है। इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और छोटे छोटे कट लगा कर इसको हम बैक साइड में फोल्ड कर देंगे। उसके बाद हम बैक साइड से फोल्ड करेंगे इसको, डबल फोल्ड कर लेना अच्छे से और सेंटर में 2 इंच का गैप छोड़ते हुए और कॉर्नर से तिरछा निशान लगाते हुए इसको इक्वल करके हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। उसके बाद हम बारीक डोरी कट बनाएंगे और 2-2 इंच की डोरी को कट करेंगे और उसके बाद हम छोटा सा लूप बनाएंगे और थोड़ा थोड़ा गैप देते हुए इसकी स्टिचिंग कर देंगे।
देखिए स्टिचिंग करने के बाद हम इसको जो भी आपका पैंट प्लाजो या फिर ट्राउज़र है उसका फैब्रिक इसके साथ अटैच कर देंगे और उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए कंप्लीट होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है। आई होप आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।